नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। भारत निश्चित तौर पर तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है। हम हर दिन एक नई दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक बेहतरीन दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जो मन को विचलित कर देती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी, कुछ खबरें ऐसी सामने आती हैं जो हमें एहसास दिलवाती हैं कि अभी भी हमारे समाज में बहुत कुछ बदलना बाकी है। लोगों की सोच, उनकी मानसिकता बदलना बाकी है। अब खबर सामने आई है राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले के धरियावद से, जहां पर एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। और इसके बाद से लगातार राजनीति तेज़ है, पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और कोई नहीं बल्कि पीड़िता का जो पति है उसने ही ऐसा किया है। पीड़िता के पति ने ही गांव वालों के सामने 1 किलोमीटर तक उस महिला को दौड़ाया है। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि ये घटना जो है वो 31 अगस्त की है, लेकिन इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इसके वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला बहुत तेज़ी के साथ इस मामले ने उबाल पकड़ा। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सक्रिय हुआ, सरकार है वो सक्रिय हुई। धरियावद के गेस्ट हाउस में जो राजस्थान के CM अशोक गहलोत हैं, उन्होंने पीड़िता के से मुलाकात भी की है, उनसे बातचीत भी की है और बातचीत करके उनको समझाया भी है। और जो सरकारी नौकरी और 10 लाख का मुआवजा देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि BJP की तरफ से भी अपने एक्स अकाउंट पर वसुंधरा राजे ने भी इस घटना को लेकर शोक जाहिर किया है। साथ ही जो अशोक गहलोत हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। अशोक गहलोत लगातार ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि BJP की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब राजस्थान में भी तो मणिपुर जैसी हिंसा सामने आई है। मणिपुर में आपको याद होगा कि मणिपुर की घटना ने भी पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद से अब कमोबेश ऐसा ही ये मामला सामने आया है, जब धरियावद में भी एक महिला को नग्न अवस्था में 1 किलोमीटर तक दौड़ाया गया है। तो ये सवाल मानसिकता पर खड़े होते हैं, सोच पर खड़े होते हैं कि आखिरकार लोग जब तरक्की के नए आयाम गढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, लेकिन इस बीच अगर महिला के प्रति नज़रिए को देखा जाए तो ये नज़रिया, ये माना, हर दिन इस तरह से ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है हमारी सोच का, ये बहुत सोचने की बात है। और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि BJP आरोपियों की मदद कर रही है, क्योंकि अगर हम इसको मणिपुर हिंसा से जोड़कर देखते हैं तो फिर ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर राजनीति कमोबेश होती ही है और हर जगह होती है, क्योंकि किसी भी स्टेट से जब ऐसी घटना सामने आती है तो उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपस में तंज कसना शुरू कर देती हैं और जवाब जो है वो सत्ताधारी पार्टी को निश्चित तौर पर देना पड़ता है। हालांकि इस मामले में अपडेट ये है कि पुलिस ने जंगल से आरोपी को पकड़ा है। आरोपी उसके बाद से फरार चल रहा था और फिलहाल जो है उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन जो दृश्य था, जो वीडियो था, ये बहुत ही भयावह वीडियो था। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही कि कोई उसकी हेल्प करेगा, कोई आगे आएगा, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर महिला की मदद करने के लिए। और ये सबसे बड़ा सवाल लोगों की सोच पर, समाज पर, मानसिकता पर खड़ा होता है कि आखिरकार कोई महिला अगर मदद के लिए चिल्ला रही है तो फिर वो समाज जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है महिला की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, ये सब बातें क्या किताबी बातें हैं, क्या सिर्फ राजनीतिक जुमले हैं, क्या इन पर सच में भी काम हो रहा है, ये बात हमें सोचने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सवाल हैं वो पूरी कम्युनिटी पर उठ रहे हैं, पूरे समुदाय पर, पूरे समाज पर उठ रहे हैं कि आखिरकार अभी भी क्या हम ऐसी सदी में जी रहे हैं कि जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई, ऐसी सोच सामने आए। महिला का कसूर ये था कि महिला जो है वो अपने पति को छोड़कर किसी के साथ जो है वो काफ़ी समय से फरार चल रही थी, ऐसा महिला के ससुराल वालों का कहना है। और 6 महीने की गर्भवती भी थी वो महिला। तो आप समझ सकते हैं कि महिला 6 महीने की गर्भवती होकर भी इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। तो ये बहुत दुखद घटना है निश्चित तौर पर, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो समाज हमने महिलाओं के लिए सोचा है कि बहुत खूबसूरत समाज हम बनाएंगे जिसमें महिलाओं को अधिकार होंगे, उनका सम्मान होगा, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, तो ये क्या हकीकत के धरातल पर भी खरी उतर रही हैं? क्योंकि
मणिपुर घटना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसके बाद से भी बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई, लेकिन अब ये जो एक नई चीज़ें शुरू हो गई हैं कि महिलाओं को नग्न करके आप घुमा रहे हैं, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कलंक है हमारी मानसिकता पर, हमारी सोच पर, हमारी दृष्टि पर। हमें देखना होगा कि क्यों हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं और फिर हम उस समाज के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठा पाते हैं, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं। आप अपने आसपास ऐसा होता देख रहे हैं तभी शायद ऐसा हो रहा है, तो ये हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं पर ज़रा मन से सोचे, जहन के भीतर से आवाज़ आनी चाहिए कि हमारे आसपास भी बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटना होती है या आपके घर में किसी के साथ ऐसा होता है तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा। महिलाएँ मदद की गुहार लगाती रहती हैं लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। खैर, अब इस पूरी खबर में एडमिनिस्ट्रेशन सक्रिय है और पकड़ लिया गया है जो आरोपी है उसको, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे आरोपी हैं जो दुम दबाए बैठे हैं आसपास, जो इस तरह की सोच को अपने भीतर पाले हुए हैं, उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।